दिवाली से पूरा एक महीना बाद मनाए जाने वाला शिमला का प्रसिद्ध अनोखी ढाल मेला रविवार को धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण हमेशा की तरह ठोडा खेल रहा। ठोडों का खेल काफी दिलचस्प होता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर तीर चलाते हैं। अनोखी डाली मेला शिमला के करीब 25 किलोमीटर दूर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट में कई सालों से मनाया जाता है। 120 साल पुराने इस मेले के बारे में एक कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नरसिंह का मंदिर हुआ करता था और मंदिर के पास पीपल के पेड़ में नरसिंह का वास था, जिसकी पूजा की जाती थी। एक दिन दोपहर को पीपल का पेड़ टूटकर गांव के घर पर गिर गया। उसी रात पुजारी को नरसिंह देवता ने स्वप्न में कहा कि वे वहां से विस्थापित होकर जंगल में एक अलग किस्म के पेड़ डाली में वास कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने पुजारी को जंगल में उस अनोखे पेड़ को ढूंढकर उसकी पूजा करने को कहा। उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने उस अलग किस्म के पौधे को ढूंढा और नरसिंह देवता का उस स्थान पर चौतरा बनाकर पूजा अर्चना शुरू की। गांव के बुजुर्ग शालिग्राम शर्मा का कहना है कि नरसिंह भगवान ने पुजारी को सौपन में ये भी कहा था कि उनका दिवाली के एक महीने बाद पड़ने वाली प्रतिपाद और दूज के दिन एक मेला मनाया जाए और तीर कमान का खेल खेला जाए, जिसके बाद से ये परंपरा आज तक गांव निभा रहा है। जिस डाली में नरसिंह देवता ने वास किया था, वे पेड़ जंगल में मौजूद सभी पेड़ों से अलग था, इसलिए इसका नाम अनोखी डाली पड़ा। हर साल गांव के लोग दिवाली के एक महीना बाद अनोखी डाली नाम से मेले को नाच गाकर और तीर कमान का खेल खेलकर परंपरा के तौर पर मनाते हैं।